नए भारत के लिए पीएम मोदी जो सपने देखते हैं, उनमें से एक बड़ा सपना हर भारतवासी को 2022 तक उसका अपना घर मुहैया करवाने का भी है। और इसी बाबत उन्होंने देश के मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इतना ही नहीं, किफायती दर के मकानों पर जीएसटी दर को 8% से घटाकर सिर्फ 1% करने का फैसला भी किया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। बड़े शहरों में 60 वर्ग मीटर के घर किफायती श्रेणी में आएंगे, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में ये आकार 90 वर्ग मीटर का होगा। शर्त यह है कि मकान की कीमत 45 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। मतलब अब 45 लाख रुपए तक के मकान किफायती श्रेणी में आएंगे। ये भी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत है। इससे पहले भी मोदी सरकार घरों की खरीद पर लोगों को होम लोन पर सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी की स्कीम की अवधि को भी सरकार ने मार्च 2020 तक बढ़ा दिया था। मोदी सरकार के जीएसटी दर कम करने के फैसले से घर का सपना देखने वाला आम इंसान तो खुश है ही, रियल एस्टेट का धंधा करने वालों के चेहरों पर भी मुस्कान वापस लौट आई है।